झुंझुनू इस्लामपुर गांव में रैली की नारेबाजी का वायरल वीडियो प्रकरण, पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने लिया संज्ञान, कहा मामले की जांच जारी, कोई दोषी होगा तो करेंगे कार्यवाही। वही बगड़ SHO हेमराज ने वीडियो नारेबाजी को लेकर कहा, रैली में युवक ने लगाए थे भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे, जबकि वीडियो में आम आदमी को सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो में लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस्लामपुर गांव में उप सरपंच रविंद्र गर्वा ने लगाए थे नारे, फिर भी उप सरपंच ने कहा किसी को ठेस लगी तो क्षमा करे। SC ST संगठनों द्वारा आज भारत बंद के आह्वान का झुंझुनू जिले में भी व्यापक असर, बगड़ के इस्लामपुर में भी रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली का एक आपत्तिजनक नारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को पहली बार सुनने में आपत्तिजनक नारे लगाने जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन बगड़ पुलिस के थाना अधिकारी हेमराज मीणा का कहना है कि इस वीडियो में नारे लगाने वाला युवक इस्लामपुर गांव का उप सरपंच रविंद्र गर्वा है, उसने भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वीडियो की सत्यता कहां तक सही है जांच के बाद पता लगेगा। इस मामले में पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी का कहना है कि वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है, कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। वही नारेबाजी करने वाला इस्लामपुर के उप सरपंच रविंद्र गर्वाल ने पुलिस को बताया कि वह रैली में भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, उसका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, वह भी भारतीय है और भारत से प्रेम करता है। इस मामले में पुलिस को वीडियो की बारीकी से जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एक ऐसा वीडियो आया है जो देखने सुनने से दो शब्दों का उसमें इस्तेमाल लग रहा है, जिसकी जैसी परिस्थिति है, जिसको जो अनुकूल लगता है वो उसको वैसे समझ रहा है, हमारी जानकारी में आया है। मैंने मेरे SHO को निर्देश दिए कि तत्काल इस संदर्भ में वो जांच करें और उचित और न्यायोचित और साफ स्पष्ट जो भी तस्वीर है वो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि यदि कोई हमें कानूनी कार्रवाई उसमें करनी है तो तत्काल की जा सके। आज भारत बंद के दौरान थाना बगड़ के ग्राम इस्लामपुर में जो रैली निकाली गई थी, इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि रैली के दौरान कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये वीडियो वायरल होने के बाद में इसके जांच के आदेश दिए, इसमें जांच की गई और जो नारे लगा रहा था उस व्यक्ति को लाए, जिसका नाम रविंदर गर्वा इस्लामपुर का है, SC कैंडिडेट। उसका कहना है कि साहब मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा था, मैं लगा रहा था कि भारतीय संविधान जिंदाबाद, मैं जल्दीबाजी में बोल रहा था तो मैं भारतीय संविधान बोल रहा था। और वो ये भी कह रहा है कि साहब इसको स्क्रिप्ट करके अगर गौर से सुनेंगे आप तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे द्वारा जो बोले गए वाक्य हैं जो भारतीय संविधान जिंदाबाद ही है। और इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि फिर भी अगर मेरे द्वारा बोले गए वाक्य से अगर किसी को आघात हुआ तो वो उसने कहा कि इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसको लाया गया, उसे अच्छे से पूछताछ की जाएगी। और मैं रविंद्र गर्वा ग्राम पंचायत इस्लामपुर उप सरपंच, आज हमने एक बंद का आयोजन किया था, बात बंद के तहत इस्लामपुर को बंद का आयोजन किया था, उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नहीं है, उसको आप गौर से सुनेंगे, मैंने भी सुना है और भी सुना है, उसमें ये सुनाई दे रहा है कि भारतीय संविधान जिंदाबाद, हमने नारे लगाए थे जैसे भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, SC ST जिंदाबाद, इस तरीके के कुछ नारे लगाए थे। वो वीडियो दूर से बना, पास से बना, कैसे बना, अगर किसी को इस मेरे बोलने से या मेरी लैंग्वेज से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं भी भारत का ही हूं, कोई पाकिस्तान का नहीं हूं, मैं भी हिंदू हूं, कोई और नहीं है, या हमारे इस्लामपुर की एक स्वार्थपूर्ण सद्भावना रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे त्यौहार हो, चुनाव हो, कुछ भी और हो।